हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक्सेल में आमतौर पर आप क्या करते हैं, सीधा एक्सेल ओपन करते हैं। देखिए मैं दिखाता हूं, ये एक्सेल ओपन किया और एक्सेल ओपन करने के बाद जो भी वर्जन रहा हो, आपको अगर रैंडम वैल्यूज जनरेट कराने होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सीधा सीधा यहाँ पर रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाते हैं और रैंडम वैल्यूज जनरेट करा पाते हैं। अगर आपको इंटीजर में वैल्यूज जनरेट करनी है तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे रैंडम वैल्यूज आ भी जाती हैं और इस तरीके से इसे ड्रैग करने से बहुत सारी रैंडम वैल्यू आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो बात है एक्सेल की, लेकिन यही चीज आप कैल्क पे करना चाहेंगे ओपन ऑफिस कैल्क में तो आपको दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी आइए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने दिए हुए हैं, इसको मैं हटाता हूँ एक बार। ठीक है, ये हटाया, डिलीट किया और डिलीट करने के बाद यहाँ पर उसी चीज को दोबारा से जो कि एक्सेल में लगाया वही फॉर्मूला यहां पर भी यूज करके देखेंगे। तो यहां पर इज इक्वल टू लगाया आर ए एन डी बिटवीन, रैंड बिटवीन लगा दिया और रैंड बिटवीन लगाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही रैंड बिटवीन लगाते हैं ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा, बॉटम और टॉप की बात है तो यहां पे आपने बॉटम नंबर दिया और कॉमा देके यहां पे टॉप दिया और फिर यहां पे इसे बंद किया और बंद करके जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने आता है ये एरर 504। अब आप परेशान हो जाते हैं कि हमारा फॉर्मूला तो बिल्कुल सही है, फॉर्मूला में कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर भी एरर क्यों आ रहा है। तो एरर इसलिए आता है क्योंकि आपने यहां पर कॉमा यूज किया। आप अगर ओपन ऑफिस कैल्क में कॉमा यूज करेंगे तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहां पर प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से इस सॉफ्टवेयर की करी गई है कि आपको यहां पर सेमी कॉलन यूज करना होगा। तो जैसे ही आप सेमी कॉलन लगाएंगे ना, देखिए ये सेमी कॉलन है और सेमी कॉलन का बटन ठीक अल्फा न्यूमेरिक की पी के नीचे होता है, पी के नीचे आपको सेमी कॉलन का बटन मिल जाएगा, एंटर करिएगा तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप रैंडम वैल्यूज यहाँ पे जनरेट करा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसे ड्रैग करेंगे तो सारी रैंडम वैल्यूज आपकी आती चली जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब इसको फिक्स भी करना होता है तो फिक्स करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके चूंकि ये फॉर्मूला है तो ये जब बाहर क्लिक करेंगे ना तो आपके रिजल्ट को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा और ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां से इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी करना है और फिर यहां से देखिए पेस्ट स्पेशल हाईलाइट हो जाता है तो यहां पे जाकर के और इसे बना दीजिएगा नंबर। ठीक है, तो यहां पे नंबर बना दीजिए, ओके कर दीजिए और यस कर दीजिए। तो ये नंबर जब बन जाएगा तो फिर ये दोबारा चेंज नहीं होगा। तो ये आपको करना है अगर आप रैंडम वैल्यू जनरेट कराना चाहते हैं या कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको यही करना होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, आप किसी भी फॉर्मूले की बात करें तो ओपन ऑफिस में ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। ओके,